हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग पैरासिटिक एडाप्टेशन ऑफ प्लेटफॉर्म इज ए में है एनारोबिक रेस्पिरेशन, बी में है अंडर डेवलप्ड सेंस ऑर्गन, सी में है रेसिस्टेंट कवरिंग क्यूटिकल और इंटेग्यूमेंट एंड डी में है ऑल ऑफ द अबव। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा पैरासिटिक एडाप्टेशन, पैरासिटिक एडाप्टेशन ऑफ फ्लैटवर्म्स। हम जानते हैं कि जो फ्लैटवर्म्स है ये क्या होती है, इंडो पैरासाइट होते हैं। ये इंडो पैरासाइट होते हैं मतलब ये होस्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, और होस्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं तो क्या करेंगे, दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द होस्ट का डाइजेस्टिव लिक्विड बाय डेवलपिंग सर्टेन थिंग्स। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, दे डेवलप टेग्यूमेंट्स, टेग्यूमेंट्स और रेसिस्टेंट कवरिंग, और रेसिस्टेंट कवरिंग अराउंड देयर बॉडीज, अराउंड देयर बॉडीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं कि ये सिक्रीट करेंगे किस चीज को, दे सिक्रीट एंटी एंजाइम टू न्यूट्रलाइज किस चीज को, डाइजेस्टिव जूसेस किसका, होस्ट का, ऑफ दी होस्ट। साथ ही साथ ये शो करते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ताकि क्या हो सके, ताकि ये रिड्यूस कर सके किसको, दी एनर्जी, रिड्यूस दी एनर्जी एफिशिएंसी, टू रिड्यूस दी एनर्जी एफिशिएंसी। तो जनरली जो फ्लैटवर्म्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये यूज करते हैं अपने क्यूटिकल को किसके लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जहां पे गैस जो है वो डिफ्यूज करते हैं डायरेक्टली अक्रॉस देयर मोस्ट मॉइस्ट आउटर सरफेस। फर्दर अगर पैरासिटिक एडाप्टेशन बोले तो इनमें क्या होता है, सकर्स प्रेजेंट होता है, सकर्स प्रेजेंट, ताकि ये क्या कर सकते, दे कैन क्लिंज टू दी होस्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।